So next is a question number 13. A ball is thrown vertically upward with a velocity of 49 meter per second. So you have to calculate the maximum height to which it rises and the total time it takes to return to the surface of the earth. So the question is actually very interesting. So there is a ball. The ball is thrown vertically upward, that is in the upward direction. And the velocity is also given, which is 49 meter per second. So there is a trick, okay? So the trick is, since the ball is thrown in the upward direction, so it is acting against the gravity. Okay, I hope you have understood. So first you have to calculate the maximum height to which it rises. So first what we'll do, we'll solve the first part and then we'll proceed to the next one. Okay, so all total you have 3 equations of motion. So for this particular type of question, that is to find out the maximum height which is displacement, aap kaun sa formula put karoge? V square minus u square equal to 2gs. सो आप क्या कर सकते हो, एक एक इक्वेशन को पुट करके देख सकते हो कौन सा ज़्यादा सूटेबल है फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gs लिया, बिकॉज इससे हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही ईजिली फाइंड आउट कर लेंगे. सो यू इज़ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, वी इज़ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, एस इज़ द हाइट अचीव्ड बाय द बॉल एंड जी इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. So since you have to find out the maximum height to which it takes, so the final velocity will be considered as 0, that is v equal to 0 meter per second, and u is already given, which is 49 meter per second. And now comes the most important part. Since the ball is acting against the gravity, that is the ball is thrown at the upward direction, so the value of the g will be considered in minus. So ये आपको I hope समझ में आ गया होगा. Since देखो ये gravity के against पे काम कर रहा है, तो g क्या होगा, g का value क्या हम लोग लेंगे, minus पे लेंगे, क्योंकि वो क्या opposite direction पे act हो रहा है. So the maximum height attained by the ball, उसको हम लोग क्या ले लेंगे, h ले लेंगे. So अभी हम लोग simply क्या करेंगे, जो formula है उससे हम लोग answer को निकाल देंगे. सो यहाँ पर आपको क्या गिवन, द वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gs. ये आपको बहुत ही ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो आप क्या करोगे, इस पर वैल्यू पुट कर दोगे, 0 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर इक्वल्स टू 2. यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, सिंस इट इज़ एक्टिंग अगेंस्ट द ग्रेविटी. एंड देन यू विल सिंपली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. देन आप 49 स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, 49 into 49, नीचे क्या लिखोगे, 2 into 9.8. आप पॉइंट को डेसिमल को हटा के ऊपर क्या कर सकते हो, सिंपली उसको 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो. सो द फाइनल आंसर विल बी 122.5 मीटर. सो यू हैव टू फाइंड इट योरसेल्फ. ओके, आपको ये जो वैल्यू है आपको खुद से फाइंड आउट करना है. सो नाउ फॉर द सेकेंड पार्ट, आपको क्या फाइंड आउट करना है, द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ, यानी आपको टाइम फाइंड आउट करना है. सो वॉट यू कैन राइट, लेट टी बी द टाइम टेकन बाई द बॉल टू रीच द हाइट 122.5 मीटर. देन आप क्या करोगे, इक्वेशन ऑफ मोशन दोगे. सो द करेक्ट जो आपका इक्वेशन होगा वो कौन सा होगा, वी इक्वल्स टू यू प्लस जी टी. ओके, सो द फाइनल वेलोसिटी इज 0, इक्वल्स टू यू क्या है आपका 49, प्लस आपका जी क्या होगा, माइनस पे होगा, दैट इज माइनस 9.8 इंटू टी. टी आपको फाइंड आउट करना है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, उसको फाइंड आउट कर सकते हो. सो द फाइनल आंसर विल बी 5 सेकेंड, यानी टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड. सो ये तो हमने सिर्फ एक का फाइंड आउट किया, दैट इज 5 सेकेंड. तो इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन हमें दोनों फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो आप सिंपली क्या कर सकते हो, इसको ऐड कर सकते हो, दैट इज 5 + 5 सेकेंड. सिंस आपका क्या है, टाइम ऑफ एसेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट, यानी इनिशियल पोजिशन एंड जो फाइनल पोजिशन है, आपने दोनों को क्या कर लिया, ऐड कर लिया. सो 5 + 5 = 10 सेकेंड्स. सो आई होप इट्स क्लियर. सो नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 14. ए स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर
of height 19.6 meter. Calculate its final velocity just before touching the ground. So question मेरे को क्या बोला है वो हमें पहले समझना पड़ेगा. So from the top of the tower आपने क्या किया, एक stone को release किया. So height of the stone क्या है, आपको क्या given है, 19.6 meter. So what you have to calculate, you have to calculate the final velocity which is v just before touching the ground. So आप कौन से equation को put करोगे, v square minus u square equals to 2gs. ओके, जहाँ पे u क्या है आपका, इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, वो पहले रेस्ट पे था तो आपका क्या हो जाएगा, 0 meter per second. देन v इज योर फाइनल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन, s इज हाइट ऑफ द स्टोन विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 19.6 meter, एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज 9.8 meter per second square. Then you will simply put the values. आपका value में क्या हो जाएगा, v square minus, यहाँ पे क्या होगा आपका, 0 square equals to क्या होगा, 2 into 9.8 which is acceleration due to gravity into आपका क्या हो जाएगा, 19.6 जो आपको already question में given है. देन आप इसको जब find out करोगे, आप इसको जब अच्छे से find out करोगे, आपका देखो जो v है उसका value क्या आ जाएगा, 19.6 meter per second. ये आपको खुद से फाइंड आउट करना है, आपको क्या करना है, 2 into 9.8 into 19.6, ये क्या करोगे आप, बहुत ही ईजी कैलकुलेशन है, दैट यू कैन डू इट योरसेल्फ. सो नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 15. स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 meter per second, टेकिंग जी इक्वल्स टू 10 meter per second square. Find the maximum height reached by the stone. What is the net displacement and the total distance covered by the stone? So ये क्या है आपका, similar type of question है जो हमने पहले भी देखा था. यहाँ पे क्या है, stone को क्या हुआ है, vertically upward direction पे throw किया गया है, and initial velocity is also given which is 40 meter per second. So यहाँ पे आपको क्या find out करना है, देखो maximum height reached by the stone, okay? ये सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है. सो वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, सिंस इट इज़ एक्टिंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या होगा, माइनस पे होगा, दैट इज -10 meter per second square. सो अगेन यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला पुट करोगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gs. ओके, यहाँ पे यू क्या है आपका, इनिशियल वेलोसिटी. सो द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन इज ऑलरेडी गिवन विच इज 40 meter per second, एंड द फाइनल वेलोसिटी विच इज़ वी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 meter per second, एंड एस क्या है आपका, हाइट ऑफ द स्टोन, एंड जी जो है आपको 9.8 ना देखे आपको क्या गिवन है, 10 meter per second, एंड सिंस इट इज़ एक्टिंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा वैल्यू. सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन. सो हम क्या करेंगे, उसको एज कंसिडर कर लेंगे. सो इसके बाद अब जो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gs, उसको आप फॉर्मूला पे पुट करोगे, जो जो वैल्यूज है उसको पुट करोगे, 0 square minus 40 square equals to 2, यहाँ पे क्या होगा, -10 होगा, इंटू एज. सो ये सिमिलर है लास्ट टाइप के तरह जो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया. सो यहाँ पे क्या करोगे, इंस्टेड ऑफ लाइक यू नो फाइंडिंग आउट द आंसर ऑफ 40 square, आप क्या कर सकते हो, इसको कैसे लिख सकते हो, 40 into 40 divided by 2 into -10. यहाँ पे माइनस माइनस आपका कट हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 80 meter. सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई द स्टोन ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जर्नी, दैट इज इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, वॉट यू विल डू, यू विल सिंपली एड इट, आपको क्या करना है, ऐड कर देना उसको 2 times, दैट इज 80 plus 80 विच इज 160 meter. सो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जर्नी का, एक तो आपका पॉजिटिव होगा और एक आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा. तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 80 plus minus 80, प्लस माइनस में क्या होता है, माइनस होता है. ये सब आपने इंटीजर्स चैप्टर पे ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा मैथ्स में. तो 80 प्लस
माइनस 80 होता है 80 माइनस 80 विच इज़ 0, तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया 0. सो आई होप इट्स क्लियर. सो नेक्स्ट इज़ द क्वेश्चन नंबर 16. कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन. गिवन दैट द मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻²⁴ kg एंड द सन इज 2 × 10⁻³⁰ kg. द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू इज 1.5 × 10⁻¹⁰ m. सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में देखो क्या क्या गिवन है. मास ऑफ द सन, मास ऑफ द अर्थ एंड एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, ये सब क्या है आपको ऑलरेडी गिवन है. तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फर्स्ट पार्ट में गिवन है. कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन. ओके, सो फर्स्ट आपको क्या लिखना है, देखो अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज गिवन बाय. तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या है आप सभी को पता होगा, विच इज़ एफ इक्वल्स टू जी एम वन एम टू बाई टी स्क्वायर. यहाँ पे आपने क्या किया, जी लिखा, एम ऑफ सन एंड एम ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई क्या होगा आपको यहाँ पे आर स्क्वायर होगा. सो लेट्स सी वन बाय वन. फर्स्ट इज मास ऑफ द सन विच इज़ ऑलरेडी गिवन 2 × 10⁻³ kg. सिमिलरली मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻²⁴ kg एंड द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज 1.5 × 10⁻¹⁰ m. ओके, नेक्स्ट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट. ये आपको क्या करना है याद रखना है, 6.7 × 10⁻¹⁰ होगा. ठीक है, देन आप सिंपली क्या करोगे, आंसर फाइंड आउट कर लोगे. सो द फाइनल आंसर विल बी 3.57 × 10⁻²⁰ न्यूटन.